सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का नाम है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ये आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए जो बिल्डिंग हमारी बनती है, भवन बनता है, उस भवन में इसमें कौन कौन से अवयव होते हैं। जैसे आप, जैसे मैं इस बिल्डिंग में खड़ा हूँ, इस रूम में खड़ा हूँ, इस रूम में सबसे पहले आप देखेंगे कि एक वॉल है जो इसका कंपोनेंट है, तो हम वॉल के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से बीम हो गया, बीम के बारे में पढ़ेंगे, कॉलम के बारे में पढ़ेंगे, छत के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा नाम ही में सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। भवन को बनाने के लिए जो जो उसके कंपोनेंट्स हैं, अवयव हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे कि भवन हमारा क्या होता है, भवन कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग क्या करते हैं, बस इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं। ठीक, तो पहला हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बिल्डिंग भवन के बारे में। पहला चैप्टर हमारा होगा वो हमारा होगा भवन, बिल्डिंग क्या होता है। ठीक, भवन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक, फिर वो किस मटेरियल से बन के बनता है, मतलब एक भवन को बनाने में, एक बिल्डिंग को बनाने में कौन कौन से मटेरियल लगते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, ठीक, स्टील हो गया, टिम्बर हो गया, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम देखेंगे इसमें कि हमारा क्या कहते हैं पार्ट के बारे में, कौन कौन सा पार्ट होता है एक भवन में, एक बिल्डिंग में कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे फाउंडेशन हो गया, वॉल हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया, आर्च हो गया, लेंटर हो गया, इन सब के बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे। उसके बाद से टाइप ऑफ बिल्डिंग, कितने प्रकार के बिल्डिंग होते हैं, आवासीय भवन, इन सब बिल्डिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। एक और क्लासेस ऑफ बिल्डिंग, कितनी क्लास श्रेणियों, कितनी श्रेणियों में हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में कुछ श्रेणियों में हमारे बिल्डिंग को डिवाइड किया था, उस श्रेणी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हमारा क्या हो गया, भवन। ठीक, दूसरा चैप्टर हमारा है फाउंडेशन। फाउंडेशन को हिंदी में हम कहते हैं नींव। ठीक, अब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं किस पे खड़ा हूँ, अपने पैर पे खड़ा हूँ, उसी तरीके से बिल्डिंग किस पे खड़ा होता है, नींव पे खड़ा होता है, फाउंडेशन पे खड़ा होता है। ठीक, तो हम फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कितने टाइप के फाउंडेशन होते हैं, सॉइल की वेरिंग कैपेसिटी के अनुसार हम कौन सा फाउंडेशन कहाँ पे उपयोग करेंगे, तो हम ये फाउंडेशन वाले चैप्टर में इसके डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा वॉल, वॉल इंग्लिश में वॉल, हिंदी में दीवार। दीवार के बारे में पढ़ेंगे कि ईंट की दीवार होती है, स्टोन की दीवार होती है, ईंट की दीवार की क्या खासियत होती है, स्टोन की दीवार की क्या खासियत होती है, उसमें किस तरह से चिनाई का कार्य करते हैं, ये सब हम क्या करेंगे वॉल में पढ़ेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा हमारा स्लैब, स्लैब मतलब छत। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, छत। छत कितने प्रकार के होते हैं, उसको छत पढ़ेंगे। छत के बाद हम आ जाएंगे आर्च और लिंटल। आर्च और लिंटल आपको अभी तक वॉल, फाउंडेशन और दीवार के बारे में मैंने बोला, उस चीज़ को आपको समझ में नहीं, लेकिन हम यहाँ वर्ड आ रहा है लिंटल या आर्च, जिसको कहते हैं लिंटल या आर्च होता क्या है ये हम बता देते हैं। जैसे ये हमारा वॉल, ये हमारा क्या है वॉल, एक दीवार है, और इस दीवार के यहाँ पर क्या है एक दरवाजा लगा हुआ है। ये हमारा क्या है वॉल है, और इस वॉल में ये क्या हमारा विंडो है, सॉरी डोर, दरवाजा। ठीक, अब देखते हैं कि दरवाजे के ऊपर हम क्या करते हैं, एक बीम डालते हैं, सहन कर लेता है और उस रोड के अंदर ईजली बियर कर लेता है। ठीक है, तो लिंक
उसके बाद से हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दरवाजा खिड़की। दरवाजा और खिड़की में हमारा क्या है, हमारा कंपोनेंट है, अवयव है इस भवन के। ठीक है, हम दरवाजा खिड़की के बारे में पढ़ेंगे, दरवाजा कितने प्रकार के होते हैं, दरवाजा क्यों दिए जाते हैं, खिड़की के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम क्वेश्चन जान के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, दरवाजा खिड़की और रोशन दान। नेक्स्ट हमारा होता है डैम ऑफ कोर्स DPC। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, DPCC के रूप रद्दा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, सील रोक रद्दा। सील रोक रद्दा हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमारा तो सील रोक रद्दा, सील रोक रद्दा क्या होता है, डैम प्रूफ कोर्स के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली हम डैम प्रूफ कोर्स के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रो देते हैं। देखिए होता क्या है, ये हमारा फाउंडेशन है, ये हमारा क्या है, फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन यहाँ पर जो हमारा जमीन के नीचे होता है, ये हमारा जीएल है, यहाँ पर हमारा क्या है, सॉइल। इस एरिया में हमारा क्या है, सॉइल बिल्ड। और ये हमारा वॉल है, ये हमारा क्या है, वॉल है। अब क्या होता है कि सॉइल में क्या होती है, मॉइस्चर होती है, नमी होती है, पानी होता है। वो नमी हमारी इस ब्रिक वर्क में ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगी ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। कोशिकत्व क्रिया के कारण इस सॉइल का वाटर हमारा क्या होगा, ब्रिक में आएगा। ठीक, ब्रिक में जो वाटर आएगा तो उस वजह से क्या होगा, उस इतने एरिया में ब्रिक क्या आएगी, हमारी सीलन आएगी। ठीक, तो उस सीलन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस जीएल ग्राउंड लेवल पे एक हम डैम प्रूफ कोर्स दे देते हैं, DPC। ये DPC क्या करता है, इस कैपिलरी एक्शन को यहाँ पे ब्रेक कर देता है। कैपिलरी एक्शन को इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। कैपिलरी एक्शन को जब इसने ब्रेक कर दिया तो अब जो हमारा सॉइल का वाटर है, नमी है, वो हमारे ब्रिक में ऊपर नहीं जाएगा, जिसके वजह से हमारे वॉल में सीलन नहीं आएगा। सीलन का सबसे मेन कारण ये हमारा होता है फाउंडेशन के थ्रू, हमारा पानी कैपिलरी एक्शन के थ्रू बढ़ जाता है, जिसके वजह से इसमें क्या होती है, हमारी सीलन आ जाती है वॉल। हम ये क्या करते हैं, डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइड कर देते हैं, एक बीम टाइप का प्रोवाइड करते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे डॉक्टर फिक्सी, कई इस तरीके के हमारे एडमिक्सचर आते हैं, उस एडमिक्सचर को ग्रुप करके क्या करते हैं, DPC बना देते हैं। वो DPC क्या करता है, कैपिलरी एक्शन को ब्रेक कर देता है। इसी तरीके से हम लोग प्लास्टिंग करते हैं ताकि बरसात के पानी से सीलन आए। कई टाइप होते हैं, क्या क्या उपयोग करते हैं, कैसे हम सीलन से बचते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद से हम पढ़ेंगे वेंटिलेटर के बारे में, कि हमारा कमरा जो है कैसे गर्म ना रहे, ठंडा रहे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम सीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार की सीढ़ी होती है, सीढ़ी का क्या डिजाइन होता है, ये सब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वीकली पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमको क्या क्या इस सब्जेक्ट में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमको क्या क्या पढ़ना है। ये चीज़ उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग के बारे में। बारिश हो गया, इन सब चीज़ों से हमें प्रोवाइड करता है, किसे, वातावरण के आपका
दूसरा हमको क्या प्राइवेसी प्रोवाइड करता है एकांत, एक तीसरा हमको सुरक्षित रखता है किसी चोर से डाकू से, तो हमको और क्या क्या प्रोवाइड करता है, पहले तो हमको धूप वर्षा से सुरक्षित कर रहा है, दूसरा हमको प्राइवेसी प्रोवाइड कर रहा है, तीसरा हमको क्या कर रहा है ये हमको चोरों से डाकू से हमको क्या कर रहा है बचा रहा है। तो बिल्डिंग हमारे जीवन के लिए रहने के लिए जीवित रहने के लिए एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है, ठीक। जैसे हमको खाना आवश्यक है, कपड़ा आवश्यक है, उसी तरीके से हमको रहने के लिए एक भवन ही बहुत ही आवश्यक चीज़ है हमारी ज़िंदगी के लिए। तो इसी भवन के बारे में पढ़ा गया कि भवन होता क्या है, ठीक। भवन होता क्या ये चीज़ मैंने अभी आपको बताया, भवन होता क्या है, भवन हमको शेल्टर प्रोवाइड करता है किस किस चीज़ की, धूप से, वर्षा से, आंधी से, कई चीज़ें ऐसे आपदा होती हैं उनसे बचाता है। दूसरा हमको प्राइवेसी प्रोवाइड करता है कि हम अपने घर में आराम से रह सकें, सुरक्षित ढंग से रह सकें, किससे सुरक्षित ढंग से रह सकें, चोरों से, ठीक है। तो ये हमारे भवन हो गए, ठीक। अब भवन किससे बनता है, किस मटेरियल से मिलकर हमारा भवन बनता है, सब लोग ध्यान रहे, सब लोग अपना घर बनते हुए आप लोग देखेंगे कि हमारा भवन किस चीज़ का उपयोग करके हमारा भवन बनता है। सबसे पहला चीज हमारा भवन बनने का जो मटेरियल, क्या मटेरियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, एक कमरा बना रहे हैं उस कमरे को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज होता है, सबसे पहला मटेरियल होता है ब्रिक, ब्रिक के बारे में आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पढ़ेंगे क्या होता है। ब्रिक हमारा वर्गाकार आकृति का होता है जिसका हमारा अलग अलग साइज होता है। इंडियन स्टैंडर्ड ने जो हमको साइज सुझाई है वो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर बताई है, ठीक। उसके बाद से नॉमिनल जो साइज होती है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद से जो नॉर्मल ये डिजाइन के लिए दो साइज है, लेकिन जो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे जो ब्रिक यूज करते हैं उसका साइज होता है 22.8 × 11.4 × 7.6 सेंटीमीटर। ये हमारा ब्रिक का साइज होता है। ब्रिक में हमारा फ्रॉग प्रोवाइड कराया जाता है। ये हम फ्रॉग क्यों प्रोवाइड करते हैं, एक तो फ्रॉग का काम हमारा होता है ब्रिक को बॉन्ड प्रोवाइड करने का या क्लिंग प्रोवाइड करने का। एक शब्द में कहें कि हम ब्रिक में फ्रॉग बिल्ला भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्ला हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो हमको क्या कर सके, की प्रोवाइड करें, बांधने का काम करता है, ठीक। ये हमारा फ्रॉग होता है, ये हमारा ब्रिक है। ब्रिक की साइज मैंने आपको बता दी, आप इसके बारे में बढ़िया से पढ़े होंगे। ब्रिक का कंपोनेंट्स जान रहे होंगे, मिट्टी के कौन कौन जैसे कंपोनेंट होते हैं, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, लाइम होता है, मैग्नीशिया होता है, आयरन ऑक्साइड होता है और अल्कली होता है। ये ब्रिक के कंपोनेंट्स हैं, उसके परसेंटेज के बारे में आपको कंस्ट्रक्शन भी पढ़ चुके होंगे, ठीक। ब्रिक हमारा यूज़ किस लिए होता है, ब्रिक हमारा दीवार बनाने के यूज में आता है, ठीक। रोड में यूज होता है, फ्लोर में यूज होता है, फर्श में भी यूज होता है, मतलब मैक्सिमम जगहों पर हम ब्रिक का उपयोग करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए अपने स्ट्रक्चर में, ठीक। ब्रिक हमारा कितने टाइप का होता है, ब्रिक हमारे कई टाइप के होते हैं। ब्रिक हमारे नॉर्मल दो तरीके के होते हैं, कच्चा ईंट होता है, एक पक्का ईंट होता है। कच्चा ईंट इसको कहते हैं कि हम निर्माण स्थल में जहाँ ब्रिक बना रहे हैं वहीं हमने क्या किया, ब्रिक बनाया और उसको बना के सूखने के लिए धूप में रख दिया, तो हमारे कच्चा ईंट होता है। कच्चा ईंट के लाने भट्टे में पकाते हैं, भट्टे में पकाने के बाद से जो हमको ब्रिक मिलती है वो हमारे तीन टाइप की होती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, फोर्थ क्लास। और चार प्रकार की होती है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास उसको नहीं कहते, उसको कुछ झामा ईंट कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ओवर बर्न ब्रिक कहते हैं। तो प्रथम श्रेणी ईंट के बारे में बता देते हैं, शुरू किए हैं शॉर्ट बता देते हैं जो मेन पॉइंट है। फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या होता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन 20% से कम होता है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 105 kg/cm² होती है, ठीक। देखने में नीचे भी रेड कलर का होता है। सेकेंड क्लास ब्रिक, सेकेंड क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन 22% से कम होना चाहिए, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 75 kg/cm² होती है, ठीक। थर्ड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन 25% से कम होता है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25
ये हमारा था शॉर्ट्स, थोड़ा सा छोटे में रिविजन टाइम में ब्रिक के बारे में। नेक्स्ट कंपनी का हमारे होता है सीमेंट। सीमेंट सीमेंट हमारा क्या होता है? सीमेंट हमारा बंधक पदार्थ होता है। सीमेंट हमारा क्या है? बाइंडिंग मटेरियल है। अब हमने लिया ब्रिक को ऐसे रख दिया, अब ऐसे राय में चिनाई कर दिया बिना सीमेंट मसा दिया, उससे क्या होगा? ब्रिक जुड़ेगा नहीं। तो उस दोनों ब्रिक को बांधने के लिए, जोड़ने के लिए क्या करते हैं? सीमेंट का मसाला उपयोग करते हैं, जिसमें हम सीमेंट यूज करते हैं। सीमेंट हमारा क्या है? बाइंडिंग मटेरियल। ठीक, सीमेंट की साइज क्या होती है? 75 माइक्रोन से 150 माइक्रोन सीमेंट की साइज होती है। सीमेंट हमारा किस काम में आता है? बांधने के काम में आता है। ठीक है, सीमेंट किस कलर का होता है? हरा कलर का होता है हमारा सीमेंट। नेक्स्ट हमारा होता है सैंड, या जिसको हम फाइनल फाइन एग्रीगेट, जिसको बाल कहा जाता फाइन एग्रीगेट। क्या होता है? बालू, जिसको कहते हैं हमारा फाइन एग्रीगेट है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हमारा फाइन एग्रीगेट है, कौन सा हमारा कोर्स एग्रीगेट? और सिंपल सेंटेंस स्टैंडर्ड नंबर टेस्ट बताया जा रहा है। हम क्या करेंगे? 4.75 mm की सीम लेंगे। कौन सी सीम लेंगे? 4.75 mm सीम लेंगे। ठीक, अब उस सीम के नीचे हमने क्या किया? एक पैन लगा दिया। और सीम में हमने क्या किया? 1 kg हमने क्या किया? एग्रीगेट डाल दिया। अब उस सीम से हम क्या करेंगे? उसको सेक करेंगे चालने में। चालने में जो 4.75 mm के ऊपर घुस जाता है, 4.75 के ऊपर जो एग्रीगेट हमारा रुक गया, वो हमारा कोर्स एग्रीगेट कहलाता है। और जो उसे पास होके पैन में चल गया, जो नीचे हमने कटोरा लगाया, पैन लगाया, उस पैन में चल गया, वो हमारा कहलाता है फाइन एग्रीगेट। बालू हमारा सीमेंट के साथ मसाला बनाने के काम में आता है। चौथा हमारा है कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट क्या होता है? अभी इसलिए डिफिनेशन बताएं फाइन एग्रीगेट कि जो एग्रीगेट 4.75 mm इस सीट पे रुक जाएगा, वो हमारा कोर्स एग्रीगेट कहलाएगा। जिसमें अगर पहला गिट्टी आती है, गिट्टी का हम उपयोग करते हैं ना बीम बनाने में, स्लैम स्लैब बनाने में, कॉलम बनाने में, तो वो हमारी गिट्टी का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा होता है टिम्बर, लकड़ी। नेक्स्ट हमारा है टिम्बर, जिसको हिंदी में हम प्रकाष्ठ बोलते हैं। टिम्बर लकड़ी, प्रकाष्ठ टिम्बर का हम लोग अपने बिल्डिंग में कहाँ यूज करते हैं? क्या कहते हैं? दरवाजा में, खिड़की में, रोशनदान में। ठीक है, लिंटर का भी उपयोग करते हैं टिम्बर का, ऐसे लोग तो टिम्बर यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है स्टील। स्टील का भी हम टिम्बर के जैसे उपयोग करते हैं, दरवाजा में, खिड़की में, फाउंडेशन में, लिंटर में, ऐसे लोग स्टील का उपयोग करते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स जो हम अपने भवन बनाने में उपयोग करते हैं। जो मटेरियल, जो मेन मटेरियल जो हम यूज करते हैं, वो हमारी मेन। ये मटेरियल जैसे ब्रिक हो गया, सीमेंट हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, स्टील, सबका यूज आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पढ़ चुके हो। कहाँ इसका उपयोग करते हैं, क्यों उपयोग करते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं। ये चीज़ बताऊँगा क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट में छोटे का रिविजन आपको करा दिया है कि ब्रिक क्या होता है, सीमेंट क्या होता है, फाइन एग्रीगेट क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, टिम्बर क्या होता है, स्टील क्या होता है, ये सब एक बार आपको शॉर्ट में बता दिया है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैंने यहाँ पर पढ़ाया था, कंस्ट्रक्शन मटेरियल वीडियो में आप इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे तो कितने प्रकार के भवन होते हैं, तो भवन के क्या कंपोनेंट होते हैं, इस सब को हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, आज के वीडियो में।